बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा कचनार। कचनार जो है ये लाहौर में, पंजाब में तो मिलती है, दूसरे शहरों में शायद ये ना मिलती हो। एक से दो महीने इसका पीरियड होता है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये मैंने ली है एक पाव, कीमा लिया मैंने आधा किलो, प्याज है दो मीडियम साइज़ के, लहसुन अदरक का पेस्ट है दो खाने के चम्मच, टमाटर है दो मीडियम साइज़ के, दही मैंने लिया है आधी प्याली और बाकी ये नमक मिर्चें हैं ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, ऑयल है हसब ज़रूरत और गार्निश के लिए धनिया और हरी मिर्च। चलिए जी फिर हम शुरू करते हैं अपने आज की मज़ेदार सी रेसिपी। कढ़ाई में डाला है मैंने आधा कप ऑयल, ऑयल हो गया गरम, इसमें डालूंगी मैं प्याज। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज हो गए हमारे गोल्डन ब्राउन, इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको हम थोड़ी देर भून लेंगे। लहसुन अदरक हमारा गया भून, इसमें डालेंगे टमाटर, इसको हम थोड़ी देर कर लेंगे मिक्स। अब डालेंगे हम दूसरे मसाले अपने, मिर्चें डालेंगी दो चम्मच, नमक डलेगा डेढ़ चम्मच चाय के, हल्दी डलेगी आधा चाय का चम्मच, जीरा आधा चाय का चम्मच, इनको कर लेंगे अब अच्छी तरह से मिक्स। एक से दो मिनट हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाला गया भुना, दो से तीन मिनट हमने इसे भुना है। अब इसमें हम डालेंगे कीमा, ये डालेंगे हम इसमें कीमा अपना, इसको हमने है भूनना। हमारा गया भून, इसमें हम डालेंगे एक कप पानी, ये किया हमने इसको से, इसको हम ढक देंगे और हल्की आंच पर इसको गलने देंगे। आप चाहे तो इसको प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं, मैं इसको ऐसे ही गलने दूंगी। तो हम सुखाएंगे पानी। ये देखिए जी हमारा कीमा हो गया है तैयार, घी से छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसमें कचनार, ये हमने डाल दी इसमें कचनार, फिर हम इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। कचनार हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए, इसमें डलेगा अपने ही करेंगे मिक्स। ये देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढक के रख देंगे। ये देखिए जो दही का पानी था वो हो गया खुश, कीमा कचनार हो गई हमारी तैयार। अब हम इसे निकालेंगे डिश में। ये देखें जी मज़ेदार से हमारी कीमा कचनार तैयार हो गई है। पंजाब के और लाहौर के लोगों ने तो ये खाई हुई है, दूसरे शहरों के लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि उन्होंने कभी ये खाई है कि नहीं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।